इधर छत्तीसगढ़ में राम मंदिर निर्माण के में लिए जा रहे चंदे को लेकर बयानबाजी जोरों पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने श्री राम को सभी का आराध्य बताते हुए बढ़ चढ़कर योगदान की बात कही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से मंदिर निर्माण समिति के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को लेटर लिखकर चंदे की जानकारी शेयर करने की मांग की गई। एक ओर जहां बीजेपी लोगों से मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर योगदान करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे हुए चंदे की राशि की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर के लिए चंदे के नाम पर लोग फर्जी रसीदे छपवा कर वसूली कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों बिलासपुर में इस प्रकार से FIR दर्ज कराया गया था, कुछ लोग बूथ छपा लिए हैं और उसके बाद चंदा उगाही कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते ही हैं, इसलिए जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनाधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। एक ओर जहां मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे चंदे को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को योगदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रभु श्री राम हम सभी के आराध्य हैं और 496 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम अपने आराध्य को टेंट से भव्य मंदिर में स्थापित करें। सबकी इच्छा सबके मन में एक ही बात है कि 496 साल तक जो संघर्ष इस देश की जनता ने किया, जो संघर्ष उस मंदिर के निर्माण के लिए पीढ़ियां बीत गई, आज हमें सौभाग्य मिला है कि उसके निर्माण में हमारी भागीदारी हो और आपकी भागीदारी हो, सब मिलके एक भव्य मंदिर का निर्माण जो दुनिया में अपने आप में अलौकिक हो। जो मेरी जानकारी है कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ और राम जन्म भूमि के लिए सब प्रकार से धन संकलन किया जा रहा है, और ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये राजनीति से प्रेरित है। राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे चंदे पर कांग्रेस के हमलावर रवैये के बाद बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार को किसानों और धान के मुद्दे पर जमकर घेरा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उग्र आंदोलन की घटना पर राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की है। पहली चावल भिजवाया है वही आज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। लाल किले में जो देश का मान सम्मान और गौरव है, वहाँ पे तिरंगा के बदले में दूसरा झंडा फहराना एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, और इसका सपोर्ट छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कर रही है, पूरे देश की कांग्रेस कर रही है। बहरहाल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान जारी है। 15 जनवरी को शुरू हुए इस अभियान में 27 फरवरी तक 5,50,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसमें 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना के तहत 13 करोड़ परिवारों से धन संग्रह के लिए आग्रह किया जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।